नमस्कार दोस्तों, सर्च रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में तंबाकू पान खैनी गुटखा मसाला का इस्तेमाल करने वालों की बात करें तो यह लगभग 52% लोग हैं जो कि इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं। दोस्तों, खैनी की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा सेवन करने वाला पदार्थ है। दोस्तों, इसका आदिकाल से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, यह एक पेड़ की पत्ती को काटकर उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों, ये बहुत ही धीरे धीरे हानि पहुँचाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी तंबाकू पदार्थ जो होता है वो उसके फायदे से ज़्यादा उसके नुकसान होते हैं। आप इसे धीमा जहर भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह अन्य तंबाकू पदार्थों से सबसे सस्ता और सरल पदार्थ है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, इसके लाभ और हानि के बारे में जान लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, खैनी का सेवन करने से इसकी लत लग जाती है और अगर ये ना मिले तो आपका मन व्याकुल हो उठता है। लेकिन दोस्तों, इसके फायदे तो नहीं है लेकिन इसके नुकसान जरूर हैं। दोस्तों, खैनी खाने से नींद नहीं आती है। दोस्तों, खैनी खाने से दांत खराब भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ दांत सफ़ेद रोग होने का भी डर रहता है, क्योंकि दोस्तों खैनी में मौजूद चूना इसका मुख्य कारक है। दोस्तों, इसके साथ साथ दिमाग में सूजन, आँखों की कमजोरी और आँखों के नीचे काले घेरे बनना और उसके साथ साथ कैंसर का भी एक मुख्य कारण है। अगर दोस्तों इसके फायदे के बारे में बताएं तो दोस्तों फायदे तो इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप खैनी में चूने की मात्रा थोड़ा कम करते हैं तो इससे खतरा थोड़ा कम होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी तंबाकू पदार्थ के फायदे तो नहीं है लेकिन उसके नुकसान बहुत ही हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें।